सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप सब कोई अच्छे होंगे। दोस्तों, क्या आप लोग भी इंग्लिश की वजह से कुछ गलतियाँ कर बैठते हैं? जैसे कि दोस्तों, क्या होता है, नया नया एप्लीकेशन कोई इंस्टॉल करते हैं और उसमें से नोटिस देता है और उसको हम लोग पढ़ते नहीं हैं और सिंपल तरीके से अलाउ कर देते हैं। या आप लोग भी व्हाट्सअप पे, फेसबुक पे इंग्लिश में चैटिंग करना चाहते हैं, इंस्टा पे इंग्लिश में चैटिंग करना चाहते हैं, या फिर दोस्तों कोई नोटिस होती है जिसको हम पढ़ते नहीं हैं इंग्लिश की वजह से और सिंपली अलाउ कर देते हैं, तो दोस्तों हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मोबाइल स्क्रीन पे, जैसे मैं एक लेंस है इसको मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, दोस्तों हमारा सिंपली बता दे रहा है एक वर्ड का क्या अर्थ होता है। तो दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं आप लोग, बहुत सारा मेरे पास ये देखिए दोस्तों, जैसे हम यहाँ पर इस लेंस को ले जाते हैं तो ये सिंपल तरीके से इसको ट्रांसलेट कर देता है। एक यही बस नहीं दोस्तों, जैसे हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं तो ग्लोबल जो ट्रांसलेटर, इस पर हम जैसे क्लिक करते हैं तो पूरा का पूरा फेस हमारा जो होता है तो सिंपल तरीके से ट्रांसलेट हो जाता है। और सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों कि अगर आप लोग व्हाट्सएप पे चैटिंग करना चाहते हैं तो किस तरह से करेंगे, तो दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं हमारा जो व्हाट्सएप चैटिंग जो है, तो इसको दोस्तों हमको क्या करना है, जैसे यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं, यहाँ पर हमको लिख देना है, यहाँ पर हमको हिंदी में लिखना है। जैसे दोस्तों मैं लिख रहा हूँ, दोस्तों इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इस जो लेंस है तो इसको आपको यहाँ पे लाना है और यहाँ पे जैसे देख रहे हैं हाउ आर यू, इसके बाद हमको सेंड कर देना है। जैसे मैं दोस्तों मैं सेंड कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैसेजेस इंग्लिश में ही जा रहा है। और किसी बंदे ने अगर आपको मैसेज किया तो क्या करेंगे आप लोग, इसी लेंस को उठाएँगे और यहाँ पर रख के क्या हाल है दोस्तों, देख रहे हैं बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। दोस्तों एक काम यू डिक्शनरी में भी है, बट यू डिक्शनरी बहुत बड़ा ऐप है, इसको आप लोग इंस्टॉल करते हो तो रैम रोम समस्या अगर मोबाइल में है अच्छे से नहीं दी गई तो मोबाइल हैंग कर सकती है। तो दोस्तों क्या करना है, आप लोगों को सिंपल तरीके से चले जाना है प्ले स्टोर पे, ठीक है ना, प्ले स्टोर पे लिख देना है, आपको बोलना है हाई ट्रांसलेट, ठीक है ना, हाई ट्रांसलेट। ऐसे क्लिक करेंगे दोस्तों आपको ये फर्स्ट वाला जो आइकन दिख रहा है इसको हमको इंस्टॉल कर लेना है। दोस्तों हमारे में जो है तो सिंपल तरीके से इंस्टॉल है, तो दोस्तों हम सिंपली यहां से ओपन करेंगे। जैसे ओपन हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरह से पेज खुलता है। इसके बाद दोस्तों हमको यहां पे परमिशन देने के लिए बोल रहा है कि भाई इंग्लिश, आपको इंग्लिश अगर आपको खुद ट्रांसलेट करना है तो यहां पे आपको कर देना है हिंदी, या अपनी भाषा आप लोग चूज कर सकते हैं। दोस्तों मैं हिंदी कर देता हूँ। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर डन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों क्या करना है, यहाँ पर जो ऑप्शन मिल रहा है बटन का, यहाँ पे हमको क्लिक कर देना है, यहाँ से हमको परमिशन दे देनी है। तो फर्स्ट वाले पे क्लिक करना है दोस्तों, जैसे फर्स्ट वाले पे क्लिक करें तो आपको कुछ इशारा दे रहा है कि इसको आपको ऑन करना है। तो आपको क्या करना है, सिंपल तरीके से यहाँ पे हाई ट्रांसलेट मिल जाता है और यहाँ पे जाके हमको इनेबल कर देना है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है दोस्तों, फिर से हमको बैक आना है और यहाँ पे जैसे देख रहे हैं दोस्तों हमारा जो है तो ये इनेबल हो चुका है, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे आप लोग, यहाँ पे आपको टी जैसे दिख रहा है, फिर किसी तरह से आप लोग किसी तरह व्हाट्सअप या कहीं पे जहाँ पे आपको यूज़ करना है तो जैसे यहाँ पे क्लिक कीजिए, बता दिया भाई साहब ने भी टाइपिंग कर रहे हैं तो देख लीजिए फाइन फाइन। तो दोस्तों जैसे कि मैं क्लिक हूँ, मैं ठीक हूँ। तो दोस्तों बहुत अच्छा एप्लीकेशन है और देख रहे हैं बहुत ही कम एमबी का है, ठीक है ना। तो आप लोग इसको यूज़ कीजिए और जो गलती करते हैं इंग्लिश की वजह से तो आप लोग नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताएं, अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें और साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों मैं यूट्यूब संबंधित फेसबुक, इंस्टा और फोटो एडिटिंग